टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सैम्पल पेपर ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2017 फॉर क्लास सिक्स. ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके थे. आज मैं आपके साथ 27 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगी जो कि आपका पार्ट टू है. ओके, क्वेश्चन नंबर 77. हु लॉन्च्ड यूट्यूब कॉम्पिटिटर कॉल्ड वॉच. किसने यूट्यूब कॉम्पिटिटर लॉन्च किया था? वॉच मीन्स आप जिसपे साथ में वीडियोस भी देख सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. तो इट्स आंसर विल बी फ्री चार्ज, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. इट्स आंसर इज फेसबुक. फेसबुक ने एक फीचर लॉन्च किया था जिसमें आप यूट्यूब मीन्स आप वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है, तो इट्स आंसर विल बी यूट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया. अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन थे? इट्स आंसर इज लाला लाजपत राय. आंसर इज लाला लाजपत राय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस कैरेक्टर पिकविक वॉज क्रिएटेड बाय. पिकविक कैरेक्टर किसने क्रिएट किया था? आपने देखी भी होंगी बहुत सारी बुक्स के ऊपर, पिकविक एक कैरेक्टर है, एक मोटू सा इंसान बना हुआ होता है. ठीक है, तो वो किसने क्रिएट किया था? इट्स आंसर इज स्टीवन सैपलबर्ग, लियो टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकन्स और वॉल्ट डिस्ने. इट्स आंसर विल बी चार्ल्स डिकन्स. ऑप्शन इज सी, चार्ल्स डिकन्स. हु को फाउंडेड हॉटमेल एंड देन सोल्ड टू द कंपनी टू माइक्रोसॉफ्ट. किसने हॉटमेल क्रिएट करी थी जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, जैसे आप ये माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पीपीटीज और पीडीएफ और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आप फीचर्स चलाते हैं, वो हॉटमेल एक पर्सन है माइक्रोसॉफ्ट, उसने को फाउंड की थी एंड देन सोल्ड कर दी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को. इसीलिए हर एक फीचर के आगे आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट. ओके, तो ये किसने किया था? टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और साबिर भाटिया. What will be the answer? Its answer is Sabir Bhatia. Answer is B. Sabir Bhatia co-founded Hotmail and then sold to the company to Microsoft. Or Microsoft ko sold kar di thi inhone ye company Hotmail. Okay. Next is Eritrea country is in which continent? Asia, Africa, Australia and Europe. इट्स आंसर विल बी अफ्रीका. अफ्रीका में ये एरिट्रिया किस में है? अफ्रीका में है. ठीक है, नेक्स्ट इज द नोबल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी. नोबल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, कहाँ अवार्ड किया जाता है इसको? ओस्लो, स्टॉकहोम, जिनीवा एंड ब्रुसेल्स. व्हाट विल बी द आंसर? इट्स आंसर इज स्टॉकहोम. इट इज इन इजराइल. Stockholm is in Israel. Stockholm is in Sweden. Stockholm आपका Sweden में है. Sorry, it's a mistake. The Nobel Peace Prize is awarded in which city? Stockholm in Sweden. Okay. Next question is, which sea has the highest salinity? Highest salinity किस sea की है? Answer is Red Sea, Black Sea, Dead Sea and Mediterranean Sea. इट्स आंसर इज डेड सी. जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी इतनी हाई है कि उसके ऊपर हर चीज फ्लोट करती है, कोई भी चीज वहां डिप नहीं हो सकती, डूब नहीं सकती. ठीक है, तो उसकी हाई सैलिनिटी की वजह से वो क्या है, उसके अंदर हर चीज फ्लोट करती है, उसके अंदर इतना नमक है, मीन्स तो वो क्या है, एक डेड सी है जो कि इसराइल में है. ठीक है, इट्स आंसर इज सी. नेक्स्ट इज ब्रिग. Brexit is associated with Brexit. Exit of Britain, Britain from UN. Exit of Great Britain from EU. Exit of Great Britain from Commonwealth. And exit of Great Britain from Brexit. What will be the answer? Its answer is B. Exit of Britain from European Union. Okay, its answer is B. Let us see next question. For which movie Akshay Kumar was awarded with 64th National Award in Best Actor category? Akshay Kumar ko 64th National Award diya gaya tha Best Actor category ke liye. Wo kis movie ke liye diya gaya tha? Baby, Airlift, Rustam,
एंड जॉली एलएलबी, इट्स आंसर इज, ये आपको पता होना चाहिए, रुस्तम सभी ने देखी भी होगी, इंडियन नेवी पे डिपेंडेंट है ये मूवी, तो इट्स आंसर विल बी रुस्तम. नेक्स्ट इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, फ्रॉग, शार्क, वेल एंड कॉकरोच, व्हाट विल बी द आंसर, इट्स आंसर इज फ्रॉग, फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू स्किन ऑल्सो, वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, ओके सांस ले सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What does dot MOV extension file refers to in the field of computer? Dot MOV किस में refer किया जाता है? Means image के लिए तो dot JPG use किया जाता है, ठीक है? तो what does dot MOV extension, MOV extension किसके लिए use किया जाता है? Image file के लिए, animation और movie file के लिए, audio file के लिए, MS Word file के लिए. इट्स आंसर इज डॉट एमओवी से ही क्लियर हो रहा है. एमओवी मीन्स मूवी फाइल्स, इनको सेव करने के लिए डॉट एमओवी लिख के हमें सेव करना पड़ता है, ठीक है? तो इट्स आंसर इज एनिमेशन और मूवी फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ले, किस कंट्री की हाईएस्ट प्रोडक्शन है बार्ले की, मीन्स जो की जो आटा, चाइना, इंडिया, रशिया एंड फ्रांस, व्हाट विल बी द आंसर, इट्स आंसर इज रशिया, सी ऑप्शन, आंसर इज सी रशिया, ओके. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं ना हमारे इंटरनल साउंड सुनने के लिए, तो वो किसने इन्वेंट किया था, Bessner, René Linnek, Henri Becquerel and none of these. Its answer is René Linnek. René Linnek, B option. Okay. Next question is, where is the Great Victoria Desert located? Great Victoria Desert kahan hai? Canada, Africa, Australia and America. Its answer will be Australia. Its answer is Australia. Okay. Next question number 91. Where is the headquarter of UNESCO? UNESCO की full form आपको पता होनी चाहिए, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization. इसका headquarter कहाँ है? Rome, Geneva, New York and Paris. Its answer will be Paris. Okay, its answer is Paris, D option. Next is, who defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tehran? Akbar, Shahjahan, Muhammad Ghori and Babur. Its answer is Babur. Its answer is Muhammad Ghori. C option. Okay, ये history का question है, आपको learn करना पड़ेगा ये, ठीक है? Next question number 93. The largest glaciers are, glaciers means जो लार्जेस्ट आइस के माउंटेन्स होते हैं बेसिकली, ये अपने वेट से ही नीचे दब जाते हैं. तो देखिए, लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, माउंटेन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड प्रीडोमिनेंट ग्लेशियर. इट्स आंसर इज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, ऑप्शन इज सी करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन वर्ल्ड, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया ने, हॉकी वर्ल्ड, हॉकी ओलंपिक हॉकी गोल्ड, 1928, 1932, 1936 एंड 1948. तो उन्होंने कब जीता था, 1936 में, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी एज पर द सर्वे ऑफ स्वच्छ भारत सर्वे 2017 में, स्वच्छ भारत सर्वे में कौन सी सबसे क्लीनेस्ट सिटी थी, सबसे साफ, भोपाल, इंदौर, तिरुचुपल्ली, चिरापुली एंड मुंबई. इट्स आंसर इज इंदौर, इट्स आंसर इज इंदौर, ओके बी ऑप्शन.
Next, who launched Vidya Veerta Abhiyan to encourage universities to display portraits of Paramveer Chakra decorated soldiers? परमवीर चक्र अवार्ड के लिए एनकरेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज में एक विद्या वीरता अभियान जारी किया गया था एनकरेज करने के लिए सोल्जर्स को. तो ये किसने किया था, किसने लॉन्च किया था? प्रकाश जावेदकर, हर्षवर्धन, समृति जुबान ईरानी एंड वेंकैया नायडू. इट्स आंसर इज प्रकाश जावेदकर. इट्स आंसर इज ए. ओके, इट्स आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. ओंकोजीन इज रिस्पॉन्सिबल. ओंकोजीन एक जीन है बॉडी में स्टार्टिंग से ही रिप्रोड्यूस होता है. वो किसको रिस्पॉन्स करता है, मीन्स क्या होता है ओंकोजीन के बढ़ने से, रिप्रोड्यूस होने से? इट्स आंसर इज व्हाट विल बी द आंसर, कैंसर, एड्स, मलेरिया एंड टाइफाइड. इट्स आंसर इज कैंसर. ओंकोजीन क्या प्रोड्यूस करता है, कैंसर. हमारी बॉडी में एक जीन होता है, मींस ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उससे रिप्रोड्यूस हो जाता है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सायरा लियोन? ब्रिज टाउन, गॉर्ज टाउन, फ्री टाउन एंड कैप टाउन. इट्स आंसर विल बी फ्री टाउन, सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर. किस ईयर में रिजर्व बैंक नेशनलाइज हो गया था, नेशनल हो गया था? 1935, 1945, 1949 and 1969. Its answer is 1949 after freedom. The national anthem was first sung at which place on 27 December 1911? बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर एंड अलाहाबाद. इट्स आंसर विल बी कलकत्ता. कलकत्ता में फर्स्ट टाइम संग किया गया था नेशनल एंथम हमारा, ठीक है, राष्ट्रगान. ओके, तो ये तो था बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस 2017 के. आपके टोटली क्वेश्चंस हो चुके हैं, बेसिकली आपके 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम and prepare these questions for your Rashtriya Military School. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.